guys, I Chetan welcome you all to Bankpedia Education. So today in this lecture we will discuss matrix puzzle. Okay, matrix puzzle usually exam में pre-level पे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन mains में आपको इस तरीके के typical question देखने के लिए मिल सकते हैं. तो matrix puzzle को discuss करने से पहले मैं यहाँ पर या matrix puzzle को आपको दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पर matrix किसे बोलते हैं वो समझाना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत से students maths background से ना हो तो उनको matrix को समझने में दिक्कत हो. मैट्रिक्स के अगर बारे में बात करें, मैट्रिक्स जो होती है वो रो और कॉलम्स का मिक्सचर, मतलब एक टेबल होती है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके, तो एक बेसिक डायग्राम समझते हैं यहां पर को मैट्रिक्स का. ये देखिए इस तरीके से मान लेते हैं ये एक यहां पर को एक कॉलम है, ठीक है. अब इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बन रहे हैं, ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं रोज. ओके, इनको हम बोलते हैं रोज इनको. और जो इसमें इस तरीके से, उसके बाद जैसे एक टेबल में कुछ इस तरीके से वर्टिकल ब्रैकेट्स होते हैं, ओके, इस तरीके से वर्टिकल ब्रैकेट्स होते हैं, इन वर्टिकल ब्रैकेट्स को बोलते हैं कॉलम्स. ओके, मतलब ये स्टैंडिंग जो कॉलम या वर्टिकल जो कॉलम्स हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स, वर्टिकल ब्रैकेट्स को. और जो इस तरीके से यहां पर को हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स हैं इनको बोलते हैं रोज. अब जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि इस रोज में, जैसे आपको बोला जाता है अगर 4x4 की मैट्रिक्स है, 3x2 की मैट्रिक्स है, 5x6 की मैट्रिक्स, तो उसका मतलब क्या होता है. लेट्स से आपसे किसी ने कहा कि आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स है, ओके, इस 4x4 की मैट्रिक्स का मतलब होता है 4, जो ये फर्स्ट 4 है ये रोज को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड 4 है, मतलब यहां पर जो सेकंड नंबर, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो यहां पर को ये इस मैट्रिक्स को जो हमने ड्रॉ करी इसमें कितने रोज हैं गिनते हैं, 1, 2, 3, तो मतलब ये 3 रोज और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ये हैं 4 कॉलम. तो ये जो हमने मैट्रिक बनाई हुई थी यहां पर, ये मैट्रिक्स थी 3x4 की. ओके, और ये तो इसका बेसिक है. अब इसमें हो सकता है आपको कभी बोल दिया जाए पजल लिखते वक्त कि जो P है दैट इज सिचुएशन इन A23 पोजीशन. अब A23 पोजीशन, A34 पोजीशन, A12 पोजीशन क्या होती है. जैसे ये 3x4 की मैट्रिक्स है, इसमें क्या होगा, जो यहां पर इस वाले टर्म को लेस से, इसमें जो ये लेस से ये रूम है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं. ये देखिए ये आपके फ्लोर हैं, आपने फ्लोर और फ्लैट वाले क्वेश्चन करोगे तो आप इनको रीजनिंग की लैंग्वेज में यहां पर को देखिए, ये फ्लोर है और ये क्या है, फ्लैट्स हैं. ओके, तो इसका मतलब 3 फ्लोर और 4 फ्लैट का एक बिल्डिंग होगी. तो वैसी ये मैट्रिक्स है जो 3 रोज और 4 कॉलम की है, 3x4 इसकी डिग्री है एक तरीके की. तो अगर इस वाले कॉलम में कोई है, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, वैसी कॉलम मैट्रिक्स में हर एक ब्रैकेट का अपना एक एड्रेस होता है. ओके, इस एड्रेस को क्या बोलते हैं. अगर जैसे देखो इसमें ये 1, 2, 3, 4 ये कॉलम के नंबर हैं, और हमें ऐसे C1, C2, C3, C4 बोलता हूँ, और ये रोज है R1, R2, R3. तो मैंने बोला कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड टर्म होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. तो अब इसमें क्या करते हैं हम, जो यहां पर कोई टर्म होगा इसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, लेस से स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करा, किसी से भी कर सकते हैं, मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करा, तो इसका जो एड्रेस होगा फर्स्ट, ये क्या है रो 1 है तो यहां पर को 1 आ जाएगा, और ये क्या है कॉलम 1 है तो यहां पर को 1 आ जाएगा, मतलब ये A11 इसका एड्रेस होगा. ऐसे ही इस वाले का क्या होगा, A12, इस वाले का क्या होगा, A13, इस वाले का क्या होगा, A14. अगर आपसे कोई कहे कि A14 क्या है, तो A14 मतलब ये जो A14 टर्म होगा ये फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में होगा, ठीक है. वैसी इस वाले में
ए, सेकंड रो मतलब सेकंड कॉलम क्या था वन, फिर ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ऐसी ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री और ए फोर फोर। ठीक है, यहाँ पर का मैट्रिक्स मतलब मेरे से थोड़ी रेक्टेंगुलर शेप की बन गई। तो देखो इसमें क्या होता है, अब आपसे कोई कहे आपको इसमें ए टू थ्री टर्म बताना है, लेट्स से कि कोई आपसे पजल सॉल्व करते वक्त आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि जो क्यू है वो ए टू थ्री में पजल मैट्रिक्स के ए टू थ्री में ब्लॉक में है, तो आप उसको इस एरिया पे सिचुएटेड करेंगे। अगर बोलता है ए टू फोर पे, या अगर आपने क्वेश्चन सोल्व करा और आपसे पूछा कि मैट्रिक्स के ए थ्री टू में कौन सा है, तो आप ए थ्री टू के लिए याला देखेंगे। ठीक है, तो ये होती है मैट्रिक्स बेसिक। अब मैट्रिक्स में जैसे, अब जैसे कि ये एक स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप कुछ भी है, इन दो के एंड के बीच में ये जो लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल बोला जाता है ना। तो अगर आपसे कोई बोले ए वन फोर के डायगोनली लेफ्ट, डायगोनली लेफ्ट मतलब क्या हुआ ए टू थ्री टर्म, कोई बोले ए वन थ्री के डायगोनली राइट, तो ए वन थ्री के डायगोनली राइट क्या हुआ ए टू फोर। ओके, इस तरीके से ये इसका बेसिक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ, देखते हैं उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमेशा की तरह हम पजल में जो जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया उसको कैरी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन ये रहा। ओके, सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एंड पी, सो ए टू पी 16 अल्फाबेट्स हैं दैट आर प्लेस इन अ 4x4 मैट्रिक्स। ओके, एक 4x4 की मैट्रिक्स है जिसमें 16 अल्फाबेट्स को उसने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमको इन्फॉर्मेशन देना उसने शुरू करा है, पहले का के इज इमीडिएटली बिलो एन अल्फाबेट विच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। ओके, तो देखो सिंपल से लिखा हुआ है, के इज इमीडिएटली बिलो एन अल्फाबेट मतलब के किसी के नीचे है। तो मैं यहां पर को एक काम करता हूं, एक ऐसे ब्रैकेट से यहां पर को अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन कैरी करना शुरू करता हूं। यहां पर को कोई ऐसे ब्रैकेट होगा, ओके, उसके जस्ट नीचे क्या होगा के होगा, के इज इमीडिएटली बिलो मतलब इन दोनों के बीच में कोई नहीं होगा, इमीडिएटली बिलो एन अल्फाबेट इस अल्फाबेट के जस्ट नीचे होगा विच इज। अब ये जो अल्फाबेट है, ये जो ब्लैंक अल्फाबेट मैंने यहां पर को बना रखा है, ये क्या है, ये एफ के सेकंड राइट है। तो मैं इसको ऐसे करते हुए यहां पर को एफ लिख लेता हूं और यहां पर को हमेशा की तरह टू लिख लेता हूं। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये एनोटेशन हो सकता समझना है, इसका मतलब है एफ, एफ के अगर मैं इधर को एरो का निशान बना रहा हूं तो एफ के सेकंड राइट कोई है जिसके जस्ट नीचे के है। ये हमारी पहली लाइन की इतनी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहां पर लिख ली। ठीक है, सेकंड में बोला हुआ है जे इज इमीडिएटली लेफ्ट बिलो डायगोनली, देखिए जिस डायगोनल की मैंने बात करी थी, ए वन फोर के नीचे का डायगोनल ये लेफ्ट साइड का, ए वन थ्री का डायगोनल राइट के साइड का ए टू फोर। ओके, इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, मैट्रिक्स में यही रोल प्ले करेगा। जे इज इमीडिएटली लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ एन अल्फाबेट विच इज इमीडिएट लेफ्ट अबव डायगोनली ऑफ ए। ओके, तो अगेन मैं यहां पर को इन्फॉर्मेशन के लिए एक ऐसे ब्रैकेट बना लेता हूं छोटा सा। अब इसके क्या है, जे इज इमीडिएट लेफ्ट बिलो, लेफ्ट बिलो मतलब इस तरफ को होगा जे और इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट अबव डायगोनली ऑफ ए। तो देखो ए के बोला है ना, ए के इस तरीके से अबव, ए का अबव लेफ्ट ये होगा ना डायगोनली ऐसे तिरछे में, तो एक ये इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन अल्फाबेट विच इज द थर्ड बॉक्स बिलो सी। ओके, देखिए यहां पर को कोई सी है, ओके, इस सी के दो नीचे, ये दो डॉट मतलब दो नीचे, या आप बीच में दो भी लिख सकते थे, कोई अल्फाबेट है, ये ब्लैंक का साइन है, ओके, यहां पे
इस ब्लैंक के सेकंड लेफ्ट, ओके सेकंड लेफ्ट, टू बना दिया लेफ्ट की तरफ साइन, क्या है पी है, ये इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में चलते हैं, एम इज इमीडिएट राइट बिलो डायगनली ऑफ एन अल्फाबेट विच इज द सेकंड बॉक्स बिलो एन, ओके एन के नीचे सेकंड बॉक्स बोला है ना, तो मतलब इन दोनों के बीच में एक बॉक्स होगा, एन के सेकंड बॉक्स मतलब सेकंड बॉक्स बिलो एन, एन के सेकंड बॉक्स बिलो मतलब एक छोड़ के एक और बॉक्स कोई होगा यहां पर, कोई ऐसे मतलब कोई पर्सन सॉरी कोई अल्फाबेट यहां पर होगा जिसके इमीडिएट राइट डायगनली में क्या है एम है। सो ये इंफॉर्मेशन भी आपकी हो गई, ठीक है अभी तक हो, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, एल इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन अल्फाबेट विच इज इन द सेकंड बॉक्स बिलो एफ, ओके एफ के जैसे यहां पर सी एन के एक छोड़ के था ना सेकंड बॉक्स मतलब बीच में एक, तो वैसी एफ के यहां पर को कोई है जिसके थर्ड में, थर्ड राइट में क्या है एल है, ओके थर्ड राइट में एल है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सी इज इमीडिएट राइट अबव डायगनली ऑफ एन अल्फाबेट विच इज इमीडिएट राइट अबव डायगनली ऑफ ओ, ओके मतलब कि सी इमीडिएट राइट है एक अल्फाबेट के डायगनली, ओके सी इज इमीडिएट राइट अबव डायगनली ऑफ एन अल्फाबेट विच इज इमीडिएट राइट अबव डायगनली ऑफ ए, ओ मतलब ओ के डायगनली राइट में यहां पर को कोई ऐसे अल्फाबेट होगा इसके भी राइट में क्या है सी है, ठीक है। उसके बाद लिखा है डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन अल्फाबेट विच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, ओके डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन अल्फाबेट विच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, ओके पी के इमीडिएट राइट अगर मैं यहां पर कोई नंबर मेंशन नहीं कर रहा हूं विच मींस यहां पर को इन दोनों के बीच में कोई पर्सन नहीं होगा, ओके ये राइट का साइन बना दिया, पी के यहां पर कोई पर्सन है इसके इसके इस अल्फाबेट के इधर को सेकंड लेफ्ट में क्या है डी है, ओके उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है ई इज प्लेस्ड बिलो अ रो वेयर एच इज प्लेस्ड, ओके एच के नीचे किसी रो में क्या है ई है, ठीक है किसी रो में ई है। उसके बाद लिखा हुआ है बी इज इमीडिएट लेफ्ट, उसके बाद लिखा हुआ है बी इज इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगनली ऑफ एन अल्फाबेट विच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ, वेट बी इज इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगनली ऑफ एन अल्फाबेट, बी किसी अल्फाबेट के डायगनली लेफ्ट में है विच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ जो कि एफ के इमीडिएट राइट है, विच मीन्स एफ के इमीडिएट राइट कोई अल्फाबेट होगा जिसके इसके इमीडिएट लेफ्ट डायगनली में क्या होगा बी होगा, ओके उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में चलते हैं, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन अल्फाबेट विच इज इन द सेकंड बॉक्स अबव पी, ओके पी के ऊपर एक छोड़ के सेकंड बॉक्स अबव मतलब यहां पर कोई ऐसे बॉक्स होगा जिसके सेकंड राइट क्या है जी है, ओके उसके बाद लिखा हुआ है एल इज इमीडिएट राइट अबव डायगनली ऑफ एन अल्फाबेट विच इज इमीडिएट राइट बिलो डायगनली ऑफ ओ, एल इज इमीडिएट राइट अबव डायगनली ऑफ एन अल्फाबेट विच इज इमीडिएट राइट बिलो डायगनली ऑफ ओ मतलब कि ओ के डायगनली राइट में कोई अल्फाबेट होगा और इस अल्फाबेट के
लेफ्ट में, इस अल्फाबेट के राइट में अबव कोई, यहां पर कोई ऐसे एल होगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ था, एल इज इमीडिएट राइट अबव डायगनली ऑफ एन अल्फाबेट विच इज इमीडिएट राइट बिलो डायगनली ऑफ ओ, ठीक है। सो दिस इज ऑल, जितनी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है वो यही थी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन हटा देता हूं, आपने नोटिस कर लिया होगा, ये नोट करा हुआ यहां पर को है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहां पर को मैट्रिक्स में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको मैट्रिक्स क्या दी थी। हमको बोला गया था कि 16 अल्फाबेट्स हैं जिनको 4x4 की मैट्रिक्स में हमें बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर को 4x4 की एक मैट्रिक्स बना लेता हूं। 4x4 की मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर को ऐसे, दिस इज वन कॉलम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। और ये बन गई आपकी 4x4 की मैट्रिक्स। यहां पर को लिख देते हैं 4x4, ओके। 4x4 मतलब 4 रोज, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और 4 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको किस में मिल रही है, ओके। यहां पर को हमको सी दिख रहा है, यहां पर को भी सी दिख रहा है और सी के साथ पी दिख रहा है, पी के साथ हमको यहां पर फिर जी की इंफॉर्मेशन भी दिख रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, ओके। हम सी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सी जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि उसमें इस तरीके से आए, यहां पर ओ आए, फिर यहां पे ब्लैंक हो, फिर सी आए, ठीक है। तो एक तो कंडीशन बनती है जिसमें सी यहां पर को, पहले मैं छोटा छोटा लिखता हूं, अगर हमारी कोई कंडीशन गलत होगी तो हम इसे छोड़ देंगे। पॉसिबिलिटी क्या है, सी यहां पर आ सकता है, ओके, फिर यहां पर को कोई ब्लैंक होगा, फिर ओ आएगा, ओके। एक कंडीशन ये बन गई, अगर सी यहां पर को आता है तो इसके 1, 2, 3 मतलब सी के नीचे क्या आना चाहिए, यहां पर को कुछ आना चाहिए सी के यहां पर को, ये दो बात कुछ है, सी के दो बात कोई आना चाहिए यहां पर को, ओके। और अगर दो बात यहां पर याद है तो इसके सेकंड क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, ओके। तो यहां पर को इसके सेकंड मतलब यहां पी होना चाहिए, यहां पी होगा अगर, तो देखो पी के रिगार्डिंग, पी के ऊपर हमें कोई इंफॉर्मेशन दी है, यहां पी के एक छोड़ के कोई होगा जिसके सेकंड जी आएगा, 1, 2 और यहां पर को जी आएगा, ये एक हो सकता है, ओके। और क्या था हमारा, हमारा पी यहां आ रहा था, मतलब अगर पी यहां है, पी के एक यहां पर भी इंफॉर्मेशन, अगर पी यहां है तो कोई यहां पर होगा, पी के इमीडिएट राइट में कुछ होगा और इस इमीडिएट राइट के सेकंड लेफ्ट कुछ होना चाहिए, तो क्या सेकंड लेफ्ट यहां हो सकता है कुछ, ये कंडीशन तो फेल हो गई, तो हम इस कंडीशन के साथ नहीं जा रहे हैं। अब हम चलते हैं, सी यहां पर हो सकता था, अब हो सकती है सी की पोजिशन ये, लेट्स चेक इट, सी यहां पर है, इफ सी यहां पर, ये तो कंडीशन फेल हो गई। अगर सी यहां पर है, अब सी के 1, 2 छोड़ के यहां पर को कोई होना चाहिए, इसके बाद 2 लेफ्ट 1, 2 लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में यहां पर को पी होना चाहिए और इस पी के यहां पर को कोई अल्फाबेट होना चाहिए और इसके सेकंड लेफ्ट डी होना चाहिए, 1, 2, तो यहां पर को डी। अब देखो क्या है ना, हमारे पास सी की सिर्फ दो कंडीशन बन रही थी, एक ये एक ये। अब इस वाली कंडीशन में हमने जब चेक करी चेक कंडीशंस तो फेल हो रही थी, तो हमारे पास मतलब ये तीन तो आने ही आने हैं यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम कैपिटल में लिख लेते हैं जिससे हमारी इंफॉर्मेशन ठीक हो जाए, सी पी और डी, ये तीनों फिक्स हो गए। अब कुछ हो जाए ये तीनों यहां पर को अपनी प्लेस से नहीं हटेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे, सी पी और डी की कंडीशन फिक्स हो गई। देखो पी ये वाले पे जाओ, पी पी के एक छोड़ के कोई है, इसके बाद सेकंड राइट जी है, मतलब यहां कहीं जी होगा, तो ये कंडीशन भी फिक्स हो गई जी के लिए,
ओके। अब जी की कंडीशन फिक्स हो गई, सी का ये, सी के यहाँ पर एक ये भी था, सी के यहाँ पर को सी डायगनली, ये यहाँ पर को ओ आना चाहिए, तो ये ओ भी फिक्स हो गया। ओके, अब ये ओ फिक्स हो गया। अब हमारे पास देखते हैं, अब हमारे पास क्या सी और पी से रिलेटेड, सी सी के टू पी, ये वाला तो हो गया है, इसको टिक कर, जो जो हो गया उसे टिक कर लेते हैं। पी के कुछ नहीं है यहाँ पे, ये वाली भी डी वाली भी हो गई। उसके बाद पी पी के, अब जी, ये वाली भी हो गई। तो ये एक दो तीन और चार, ये कंडीशन हमने यूज कर लिए। अब चलते हैं आगे। अब उसके बाद क्या है हमारे पास है एल ओ। ओके, एल ओ, एल ओ कैसे ऐसे प्लेस हो सकता है, मतलब कि यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है एल ओ, ओ एल ऐसे आ सकता है, वेट, ओ यहाँ है हमारे पास। अगर हमारे पास ओ यहाँ है तो देखो, ओ हमारा यहाँ था, मतलब ओ के नीचे कोई होगा और इधर पे यहाँ पे एल आ जाएगा, तो एक कंडीशन तो हमारी ये फिर से फिक्स हो गई, ये वाली से ओ, ओ के एल, ठीक है। अब एल के रिगार्डिंग हमको क्या कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है ना ये वाला एल, एल के, एल किसी के थर्ड है, एल वन टू, वन टू थ्री, मतलब यहाँ पर कोई होगा जिसके थर्ड एल है और इसके अबव एक छोड़ के ऊपर क्या है एफ है, तो ये कंडीशन भी फिक्स हो गई। अब एफ के टू बाद क्या है, के है, एफ के सेकंड राइट यहाँ पर को के है। ओके, देखो कितनी इजीली हमको टर्म मिलते जा रहे हैं, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास कोई ऐसा टर्म बच रहा है जिसमें, जिसके इमीडिएट लेफ्ट डायगनली जे आए और इमीडिएट राइट डायगनली ए आए, तो ये क्या क्या हो सकता है, ये जे और ए वाली कंडीशन ये बन सकती है, जे और ए वाली कंडीशन ये बन सकती है। ओके, लेकिन देखो फिक्स कुछ भी नहीं है, हमारे पास दो ही प्लेस बच रहे हैं, जे ए, जे, और कहीं नहीं बन रहा ना, तो छोटा छोटा कर लेता हूँ मैं यहाँ पर को, पहले जे, जे यहाँ पर ले लेता हूँ और ए यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अगर जे ए यहाँ पर आता है, जे ए यहाँ पर आता है, तो अब हमारे पास देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा हमारे पास एफ की वाली, बी वाली कंडीशन भी तो बची थी, पहले इसको कर लेते हैं, हो सकता है कोई और कट जाए। एफ के राइट में कोई होगा जिसके ऐसे इधर पे डायगनली लेफ्ट बी है, तो बी, तो अब जे ए वाली कंडीशन ये भी गई, तो हमारे पास सिर्फ जे और ए के लिए क्या कंडीशन बच गई, जे और ए, तो जो हमारी ये वाले जे ए की पॉसिबिलिटी बन रही थी ये फॉल्स हो गई और हमारे यहाँ पर जे और ए आ गया, नाइस। अब हमारे पास क्या बचा हमको, मेरे को दिख रही है अब दो कंडीशंस बची हुई, एक ये वाली और एक ये वाली, एन के तो सेकंड जिसके एम है, तो एन के सेकंड एम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और क्या एन के सेकंड एम यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एन अगर यहाँ होगा तो एम यहाँ हो जाएगा, फिर ये प्लेस बच जाएगा, और हमको दिया हुआ है एच के बिलो रो में ई, ठीक है, तो एक सेकेंड, ये जो एफ का के था यहाँ पर गलती से गलत हो गया, एफ के सेकेंड के नीचे यहाँ पर को के था, ओके ये गलत लिख दिया था, ये कंडीशन थोड़ी सी, एफ के सेकेंड राइट के यहाँ पर को के था, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर को क्या है, एन के, एन के यहाँ पर एम ऐसे आ सकता है, और एन के क्या यहाँ पर को ऐसे एम आ सकता है, नहीं आ सकता, तो हमारे पास केवल ये कंडीशन बची जिसमें एन, एन के सेकंड के ऐसे एम आ सकता है, फिर ये बचा एच के नीचे, एच के नीचे रो में ई, मतलब एच यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक प्लेस बचा और हमारा सारे हमने लिख दिए हैं, तो क्या बचा इसमें, ए बी सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच आई बच गया, तो यहाँ पर को आ जाएगा आई, और ये आपकी मैट्रिक्स पजल सॉल्व होगी। ओके, सो ये था इस पजल का एक्सप्लेनेशन। ये एक क्वेश्चन हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें भेजा हुआ था, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा।
लास्ट पजल वाली लाइक वीडियो में आपने बहुत सारे लाइक्स दिए हैं, उसके लिए थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।